अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं हूं दानी सलीम। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले दो गानों पर बंगाली गानों पे, बांग्लादेश के गानों पे दे चुके हैं रिएक्शन, तो मैं तो काफ़ी पसंद आया है शाकिब खान का भी गाना मामा मैं हूं, और दूसरा जिस पे हमने रिएक्शन दिया है इमरान के गाने पे जी, तो वो भी हमें काफ़ी उसका म्यूजिक पसंद आया, स्टोरी वाइज वो भी काफ़ी अच्छा था। और आज फिर एक दोस्त ने वो कमेंट किया है कि यार शाकिब खान के एक और गाने पर आप रिएक्शन दे दो। तो दोस्तों, इस गाने का टाइटल है बेबी जान, शाकिब खान और पायल, और एक और है श्रबंती, है ना? हाँ, श्रबंती। तो इसको देखते हैं कि इस गाने में क्या क्या चीजें दिखाई गई है, कैसी स्टोरी है, कैसे साउंड है, म्यूजिक है, और जैसे कि हम आवाज से वाकिफ ही हैं जी, बिल्कुल, जो पहले सुन चुके हैं, तो इसमें देखेंगे कि क्या, और गानों के सुबह काफी ज्यादा व्यूज थे जी, बिल्कुल, तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं इस गाने को रिलीज हुए, तो देखते हैं कि इस गाने में क्या क्या चीजें हैं जो एंटरटेन करने के लायक है। बिल्कुल, और म्यूजिक किस किस का इसमें पाया गया है, क्योंकि लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती बंगाली। हाँ, तो म्यूजिक तो इंजॉय करते हैं ना, म्यूजिक की तो वैसे भी कोई जबान होती, चाहे जिस जबान में सुन लो, म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, तो वो भी काफी पता चलता है कैसा म्यूजिक है कैसा नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पर आपको रिव्यू देते हैं। और दोस्तों, आपने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहुँच रहे। हेलो जान बोले छे, बेबीर मिष्ट हासिर खून छुटीते टान बेड़े छे, हाय टान बेड़े छे, ओ बेबी जान बोले छे, हेलो जान बोले छे, बेबीर मिष्ट हासिर खून छुटीते टान बेड़े छे, बेबी जान जान, ओ बेबी जान जान। ভালোবাসার নামে কত কি যে বলেছে, হাতে বিন্দু পুরে এসে চুরি করেছে, ভালোবাসার নামে কত কি যে বলেছে, বেবি জান জান, ও বেবি জান জান। সাঁতার ভুলেছে রে, হাল যারা আমায় দেখে প্রেমে পড়েছে, প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে যেন সাঁতার ভুলেছে। I'm not done yet.
दोस्तों हमने गाना सुन लिया है, देख भी लिया है बिल्कुल, और मुझे तो काफी पसंद आया है गाना, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो पिछले गानों की नस्बत इसमें तेज म्यूजिक था। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा तेज था म्यूजिक भी, और साथ ही डांस भी वो काफी ज्यादा तेज कर रहे थे। हाँ, डांस भी काफी अच्छा कर रहे थे। और इनका दूसरा ये है कि तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी जी, और शाकिब की और श्रबंती और पायल की बिल्कुल, तो ये काफी अच्छा इनका केमिस्ट्री थी, स्टोरी भी अच्छी थी काफी। महसूस ऐसे हो रहा था कि जैसे दो हीरो और दो हीरोइन। हाँ, ऐसे हो रहा था, लेकिन दोनों के साथ वो कहते हैं इसका अफेयर चल रहा था। इस टाइम में कुछ गाना बनाया कि समझ भी ना आए इनको, तो काफी ज्यादा इसमें म्यूजिक पाया गया। हम ज्यादातर म्यूजिक ही हम एंजॉय करते हैं क्योंकि बंगाली जबान समझ ना आने की वजह से, और हमें तो बस ये बेबी जान ही समझ आई है। हाँ, नहीं, इसमें कुछ कुछ लफ्ज ऐसे थे जो कुछ कुछ समझ आ रहे थे। बिल्कुल, कुछ कुछ इसमें कुछ और लफ्ज ऐसे थे जो हमें समझ आ रहे थे बिल्कुल, तो लेकिन ज्यादातर तो समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने म्यूजिक को काफी एंजॉय किया, हमें तो काफी पसंद आया ये गाना। दूसरे गानों से ज्यादा मुख्तलिफ है ये, और जैसे कि ये किसी बाहर कंट्री में है ना शूटिंग हुई है, तो वैसे लोग भी खड़े हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, वो भी देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्योंकि शूटिंग हो रही थी तो काफी वहाँ पीछे भी लोग दिखाई दे रहे थे। जाहिर बात है वो मार्केट या सड़क वगैरह में आने जाने काफी ज्यादा तादाद में जो इंसान घूम फिर रहा होता है, तो हाँ, तो वो तो शूटिंग के लिए रुक जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें शूटिंग करना ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि लोग खड़े हो जाते हैं जी, काफी ज्यादा मजमे में बहुत मुश्किल हो जाता है शूटिंग करना, तो फिर भी काफी अच्छी इन्हें शूटिंग की, लोकेशन भी काफी अच्छी थी, और दूसरा म्यूजिक वगैरह भी काफी अच्छा था इस गाने का, मुझे तो काफी पसंद आया जी बिल्कुल। मुझे भी पिछले दोनों गानों से ये ज्यादा पसंद आया है, ये पिछला गाना भी इमरान का वो भी काफी अच्छा था जी बिल्कुल, लेकिन ये उससे तकरीबन अच्छा है हमें तो हमारे ख्याल में जी। अब आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, इन तीनों गानों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया जी, जाहिर बात है, और हमें तो पता होता है कि कौन सी इसमें जबान, वो गालबा में हिंदी बोली जाती तो हम ज्यादा समझ लेते इसको कि कौन सी ये गाना किस चीज के लिए गाया जा रहा है, तो हमें तो बस यही समझ आई है, टाइटल हमें बस थोड़ा सा समझ आ जाता है। और दूसरी बात ये है ना कि हम जो गानों पे रिएक्शन देते हैं तो इन पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है जी बिल्कुल, ये तो उस पे पहले पे नहीं आया, उस पे क्या नाम है मामा मैं हूं मैं, उस पे नहीं आया, तो हमने कल दूसरा जो हमने पिछला अपलोड किया गाना इमरान का, उस पे कॉपीराइट का इशू आ गया, तो हम तो डरते हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि स्ट्राइक ही आ जाए जी बिल्कुल, तो इसलिए गानों से थोड़ा कम ही हम आते हैं, तो अब देना शुरू किए हैं तो क्या पता है इस पे अपलोड करेंगे तो फिर पता चलेगा जी बिल्कुल, तो वैसे इनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी तो उनके गानों को वैसे प्रमोट ही कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो दोस्तों अगर हमें तो काफ़ी पसंद है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।